ऑलमोस्ट एक साल बाद किचन में। दिस इज सो कूल यार। आज मौसम ही कुछ स्पेशल है। स्पेशल तो ये 24 कैरेट स्माइल है। जैसे आपने ये कुकिंग स्टार्ट की है ना, अपनी डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। गुड आइडिया, करती हूँ मैं। राजमा, भिंडी एंड चिकन करी, ऑल स्पेशल्स। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि साथ ही डिवोर्स पेपर भी साइन करते हैं, एक साथ क्लीन स्टार्ट करते हैं। व्हाट से मैं तिलक को फोन करके बोलूं कि आप डिवोर्स पेपर साइन कर रहे हो? ये तिलक तिलक क्या लगा रखा है? पापा बोल बेटा, पापा। मम्मा, अब वो मेरे पापा नहीं रहे और इस घर में तो वो वापस आने नहीं वाले, तो मैं उनको फोन करके कह रही हूँ कि आप डिवोर्स पेपर पे साइन कर रहे हो। ओके, फोन जरूर करना और हैप्पी बर्थडे भी विश करना, और हो सके तो मिलाना आज। हो, ओके, आई गेट इट। तो ये सब कुछ तिलक के बर्थडे के लिए? अरे वाह, हील भी बनाई है, वेरी गुड। तो इसकी क्या जरूरत है? ये क्या कर रही है? प्लीज स्टॉप इट, यू स्टॉप इट। मॉम, मत करो ना, कितनी मेहनत से बनाया मैंने। ये लो, इधर दो। खाना मत फेंको, प्लीज इधर दो। छोड़ो, दो। लाओ मुझे खीर दो, खीर दो मम्मा। वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं। अरे वो तुम्हें कब का फेंक चुके हैं और तुम अभी तक उनके साये को पकड़े बैठी हो। खीर दो मम्मा मुझे। नहीं मम्मा, पिछले 1.5 साल से तिलक घर से 5 मिनट की दूरी पे अपने सी आधी उम्र की लड़की के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा है। पहले भी वो कहीं भी जाते थे, वापस लौटकर मेरे पास आते थे। अभी भी देखना, आज आएंगे जरूर मेरे पास। नैना, बेटा, वाह वाह, एक खाना पका के रो रही है, दूसरी खाना फेंक के रो रही है, किस लिए? मेरे नालायक बेटे तिलक के लिए? हद कर दिए ड्रामे की। क्या देख रही हो? खाना खाओ, बड़ी टेस्टी बनी है। नैना, ओनर कैफे ओपनिंग शॉट ली, राइट? नेशनल कैफे नाम है, बोर्ड चेंज हो जाएगा। जब तक कैफे नहीं खुलेगा तो उसका नौकर बना रहेगा। खुल जाएगा जल्दी यार, हो जाएगा। पूरा ना शिमला जानता है, हर महीने अगले महीने शुरू करने की अनाउंसमेंट करती रहती है। ओपनिंग पता है कितनी डिले हो चुकी है? खर्चा निकालने के लिए कॉफी तो बिस्किट के 4 टेबल तो बाहर ही लगाने पड़ गए। तो ठीक है, मुश्किल टाइम सबकी लाइफ में आ रहा है यार, तो क्या हो गया? पर अब जल्दी ना तेरे शिमला वालों को पता लग जाएगा कैफे में मैं आ गया हूँ। पूरी प्लानिंग हो चुकी है यार जूड। थैंक यू सो मच, आई डोंट लाइक सर्विस। थैंक यू। टच वुड, सही मोमेंट आ रही ना, मैं वो बोलूंगा जो आज तक नहीं बोल पाया यार। नैना, what a pleasant surprise, darling. वैसे इससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट क्या हो सकता है कि मेरी बेटी खुद मुझे विश करने आई? विश ही नहीं, खीर भी लाई हूँ। Really? How sweet. माँ ने बनाई है। कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। अब आदमी इतना कड़वा होगा तो मीठे का डोज तो थोड़ा ज़्यादा देना ही पड़ेगा ना? बोला? ये ले लो। अब तो सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डाल देती? क्योंकि आप तो बर्थडे पार्टीज मना के अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हैं, मगर वहाँ आपकी बीवी का एक एक साल आपके इंतजार में घटता जा रहा है। देख बेटा, तू अभी छोटी है, तुझे तो प्यार भी नहीं हुआ, एक दिन तू मेरी सिचुएशन बिल्कुल समझ जाएगी। ओ, समझदार इंसान, थोड़ी समझ मेरी माँ को भी दे दे। डिवोर्स पेपर्स दे तो दिए हैं बेटा, अब वो साइन नहीं करती तो मैं क्या करूँ? तो आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की जिसको डिवोर्स देना नहीं आता? बेटा, एक आदमी का डिवोर्स लेना, दूसरी शादी करना एक आम बात हो गई है, इवन हियर इन शिमला। ओ, तो आप भी सुन लीजिए कि मैं एक औरत का डिवोर्स लेना और दूसरी शादी करना आम बात बनाऊंगी इसी शिमला में। थैंक यू सो मच नैना, तू मुझे मंदिर लेकर आई। थैंक यू किस बात का मम्मा, यू फीलिंग गुड? वेरी गुड मम्मा। चलो तुम्हें थोड़ा और फील गुड कराती हूँ। क्या? चलो ना, बस अब चुप रहे। अरे अरे, प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो बच्ची। अब आपसे मिलिए तो कल्याण हो ही जाएगा ना। हरिओम हरिओम। मेरी
दीदी का भी कुछ कल्याण कीजिए ना। दीदी देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना प्लीज। क्या है? चिंता मत करो बच्ची। हाँ। थोड़ा समय लगा। हाँ। पर इनका राजकुमार वसब आने ही वाला है। शर्मा गई दीदी तुम्हारी। चलिए थैंक यू पंडित जी। तू बहुत बुरी है मम्मा। अगर ये बुरा है ना तो बुरा ही सही है। अच्छा लाइफ में हैप्पी रहो, मजा लो लाइफ का। ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? क्यों, क्या हुआ मुझे? अरे मम्मा अब क्या मैं आपको बताऊंगी कि आप कितनी सुंदर हो, कितनी टैलेंटेड हो, कितनी ग्रेसफुल हो। वो सब क्या हमेशा के लिए कबर्ड में बंद होकर रह जाएगा? और वो भी किस लिए? वो तिलक की वजह से। मैं समझती हूँ बेटा, लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। मैं उसके लिए पूरी कोशिश भी तो कर रही हूँ। कोशिश नहीं मम्मा, अब बस कर दो। कह दो अपने आप से कि रुक्मिणी आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी। रुक्मिणी आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसे ना दुनिया की फिक्र है ना जमाने का डर। उसे ना दुनिया की फिक्र है ना जमाने का डर। रुक्मिणी अगर कुछ चाहती है तो वो है तिलक। तिलक? एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो जो पिछले पेज पे जो फोटो है ना, वो मेरे हस्बैंड की है। पर ये तो किसी और के साथ है। अरे जबरदस्ती उनके गले कोई पड़ जाए तो वो क्या कर सकते हैं? आप जरा दीजिए ना मुझे देखना। अरे इधर आप ऐसा कीजिए, आप जाकर अपना खरीद लीजिए। अरे भाई मुझे सिर्फ देखना है। अरे मुझे लेने दीजिए, मेरे हस्बैंड की फोटो है। अरे कमाल है भाई, क्या करते हैं आप? रुक रुक रुक, वापस दे, ये सस्ता वाला लगा, इसे तुम्हें मरीना में लगाऊंगा। अबे ओ मिस्टर विकास कॉन्ट्रैक्टर, तुम दूसरों के कॉन्ट्रैक्ट में अपना ही विकास करोगे या दूसरों को भी जीने दोगे? अरे कैप्टन साहब, जब मुझे नए नए कहने से फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस रहने ही दो। मैं डिजाइन कर रहा हूँ, गड्ढे नहीं खोद रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी डिजाइनिंग का इनकम्प्लीट कोर्स हमारे कैफे में कम्प्लीट कर रहे हो। आपको भी पता है कि मैं जैसे तैसे काम फिनिश करने में लगा हूँ। नैना को इतने कम पैसे में इतना बड़ा सपना देखना ही नहीं चाहिए था, भुगतना दूसरों को पड़ता है। एक कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे, यहाँ की लाइट यही लगेगी। कैप्टन अंकल रिलैक्स। नैना ये बदतमीज, क्यों इस बेचारे पे नाराज हो रहे हो? हाँ बिना चिलम चिली के भी तो ये इशू सॉल्व किया जा सकता है। नहीं तेरा दिमाग खराब है, इसकी कॉस्ट पता कितनी है, कौन पे करेगा इसका? ओहो बट मुझे क्या पता, मुझे तो बस इतना पता है कि आज मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। मैं यहाँ तेरा जितना सामान लगा है ना उसे उठाकर बाहर फेंक रही हूँ। काम डाउन है ना, चला गया वो नैना, चला गया। काम डाउन प्लीज, काम डाउन। सही तो कह रहे वो कैप्टन अंकल, सपना ही तो है ये, तोड़ दो सब कुछ, नहीं चाहिए, बंद कर दो ये कैफे, नहीं चाहिए मुझे। तो जा रही है, रुकी नहीं। जितना तूफान उसके जिंदगी में है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। ए शंभू जनक, सॉरी यार, ये सब साफ करके घर जाना। कैप्टन कल, मैं भी रुक जाऊं इनके साथ। अरे तुम तो नए आए हो, तुम की मजदूरी करोगे? नैना मैम के लिए तो कुछ भी करूंगा। कुछ भी करोगे? वाह दीवाने का दिमाग है खाली, बिना होप के दुनिया बसा ली।